कर्नाटक में आज बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर सकती है। राज्यपाल बीजेपी को जल्द सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं और आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें बीजेपी ने विधायक दल के नेता का चुनाव किया। आपको बता दें ये चुनाव आज होगा। कल विश्वास मत में बहुमत साबित नहीं करने के बाद कुमारस्वामी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इस इस्तीफे के साथ ही 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार गिर गई है। विश्वास मत के दौरान कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पक्ष में 99 तो विरोध में 105 वोट पड़े थे। खबर है कि कर्नाटक के बागी विधायक आज बेंगलुरु लौट सकते हैं। इधर कर्नाटका में सरकार गिरने को बीजेपी ने लोकतंत्र की जीत बताया है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लालच की जीत करार दिया है। कॉन्फिडेंस वोट ना पड़ीलेबेकु ಅಂತಕಂತ ಒಂದೇನು ಅವರು ನೆನ್ನೆ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बीजेपी ने आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का विश्वास मत गिरने के बाद से ही बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार की देर रात तक चली बैठक में बीजेपी विधायकों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि कर्नाटक प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि वो पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से चर्चा के बाद ही गवर्नर से मिलेंगे। आई विल डिस्कस विद आवर प्राइम मिनिस्टर एंड आल्सो आवर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अमित शाह जी। आफ्टरवर्ड्स आई विल गो एंड मीट गवर्नर। वी आर गोइंग टू हैव लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग नाउ। मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी ने 105 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। येदियुरप्पा ने अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने अमित शाह को शुक्रिया कहा है। मंगलवार को विश्वास मत गिरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में जश्न मनाया।